मगर जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब तक बहुत अच्छी सरकार चलती थी मुसलमानों के हक में। अब यह सरकार जो आई है 70 साल के बाद पहली दफ़ा, तो इनके अंदर भेदभाव ज़्यादा है। उसमें कांग्रेस में भेदभाव नहीं है, अंदरूनी कुछ भी हो मगर सामने से वो पूरी सपोर्ट में रहती है हर कौम की, उसके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं है। इस बार हम उसका कांग्रेस जो है वो कारोबार देगी, कारोबार के लिए वो पहले ही कह चुके राहुल गांधी, वो कारोबार देंगे तो हम इसको वोट देंगे, इसी वजह से कांग्रेस आई। लगता है अपील के इनके हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ चल रहा है हिसाब से लगा फिर सरकार जो है कांग्रेस की बनना चाहिए, बदल रही है आप लोगों को लगता है? इसलिए कि इनके में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। राहुल गांधी पीएम मोदी को हमेशा टक्कर देंगे, क्योंकि उनके जो दादा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम से मैं ये सरकारें देख रहा हूँ, आ रही हैं और जा रही हैं, मगर कांग्रेस से अच्छी कोई सरकार नहीं आई। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, राजधानी लखनऊ में पांचवें चरण में चुनाव है, पांचवें चरण यानी कि 20 मई को यहाँ पर मतदान होना है। राजधानी लखनऊ में भी जो चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को यहाँ से टिकट दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी से रविदास मनोत्रा चुनाव लड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ का माहौल क्या है इस वक्त? हम बैठे हैं घंटाघर पर, ये काफी पॉश इलाका है, पुराना लखनऊ कहा जाता है इसे। हम यहाँ पर मौजूद हैं दादा बैग वाले के यहाँ। दादा बैग वाले काफी पुराने हैं, इन्हें राजनीति का काफी तजुर्बा है, काफी समय से ये देख रहे हैं कितनी सरकारें आई और गई, इन्होंने अपनी आंखों से यहीं पे बैठकर काफी कुछ देखा है। इनसे जानेंगे कि आखिर लखनऊ के लिहाजा से जो लखनऊ लोकसभा क्षेत्र है, क्या लगता है दादा आपको कौन किसकी सरकार आ रही है? सरकार कांग्रेस की अब की आ रही है। कैसे? बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छी है, बहुत लाजवाब है, इससे कोई परेशानी नहीं, मगर जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब तक बहुत अच्छी सरकार चलती थी मुसलमानों के हक में। अब यह सरकार जो आई है 70 साल के बाद पहली दफा, तो इनके अंदर भेदभाव ज़्यादा है। कैसा भेदभाव? मजहबी भेदभाव ज़्यादा है। अटल बिहारी जो वाजपेयी थे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो बहुत अच्छे आदमी थे, मुसलमानों के लिए बहुत फायदा उन्हीं ने पहुंचाया, वो फायदा बीजेपी नहीं पहुंचा पा रही है। 70 सालों में पहली पार्टी ऐसी आई है जिसके अंदर दिल्ली से लेकर यूपी तक के बड़ा भेदभाव है ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो भेदभाव नहीं करेगी और अच्छी? नहीं, उसमें कांग्रेस में भेदभाव नहीं है, अंदरूनी कुछ भी हो मगर सामने से वो पूरी सपोर्ट में रहती है हर कौम की, उसके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं है। और ये जो है तो इनमें हिंदू मुस्लिम की भावना बहुत है। आपकी उम्र है, आप काफी समय से यहाँ पर हैं, आपने कई सरकारें आती जाती देखी हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी पीएम मोदी को हमेशा टक्कर देंगे, क्योंकि उनके जो दादा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम से मैं ये सरकारें देख रहा हूँ, आ रही हैं और जा रही हैं, मगर कांग्रेस से अच्छी कोई सरकार नहीं आई। और हमारी बीजेपी सरकार जो है इसके अंदर बहुत खलफिशार है और कौमी बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ का हिंदू कभी टेंशन में नहीं रहता है, कभी लड़ाई झगड़े पे नहीं रहता है, मारपीट पे नहीं रहता है, मगर हुकूमत के जो नेता हैं वो ये सब काम करते हैं। किस मुद्दे के तहत आप लोग इस बार वोटिंग करने वाले हैं? आप लोगों का मुद्दा क्या है? बेरोजगारी और महंगाई, इन सब मुद्दों को क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के आने के बाद ये सारी चीजें कम होगी? इसके अंदर इस सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कारोबार धंधा नहीं है, बिल्कुल चौपट कर दिया है, और 5 किलो अनाज दे के पब्लिक को बिल्कुल भिखारी करे दे रहे हैं कि हर महीने हम अनाज दे रहे हैं, पब्लिक जो है भीख मांगे कारोबार धंधे से अपनी रोटी ना पैदा कर सके। और जितने भी नौकरियां हैं चाकरियां हैं ये सब इसको संविदा पे ज़्यादा कर दिया है इस सरकार ने, सरकारी नौकरियां नहीं दे रही है, बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको कोई सूझबूझ नहीं दे रही है, और ना उनकी पढ़ाई हो पा रही है ना नौकरियां हो पा रही हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर जो इनका लोग बुजुर्ग हैं तजुर्बेदार हैं, इन लोग की
क्या लगता है आपको कि किसकी मतलब सरकार बन रही है? और सरकार तो आपकी कांग्रेस की ही बनेगी। कैसे है आप, वो बीजेपी वाले तो 80 पार का नारा दे रहे हैं, 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। वो तो पार कर जो भी करे वो, मगर बनेगी आपकी कांग्रेस की ही ना। किन मुद्दों के तहत आप लोग वोट करने वाले हैं इस बार? इस बार हम उसका कांग्रेस जो है वो कारोबार देगी, कारोबार के लिए वो पहले ही कह चुके राहुल गांधी, वो कारोबार देंगे तो हम उसको वोट देंगे, इसी वजह से कांग्रेस आएगी उसकी। आपको क्या लगता है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या लगता है आप लोगों को कि मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को टिकट दिया है, राजनाथ सिंह यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, और क्या उन्हें मनोत्रा जी टक्कर दे पाएंगे? देंगे भैया। आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही मजबूत आएगी? तो बीजेपी कैसे कह रही कि 400 पार? अब देखिए जो होता है सामने, मतदान के बाद पता चलेगा क्या है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, देखिए दुकानदार हैं, यहाँ के लोकल दुकानदार हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको किस बार किसकी सरकार आ रही है? इस बार क्या बताएं, इस बार लगता है अपील के इनके हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ चल रहा है हिसाब से लगा आपकी सरकार जो है कांग्रेस की बनना चाहिए। बदल रही है आप लोगों को लगता है? हाँ, इसलिए कि इनके में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, आदमी खा पी नहीं पा रहा है। आप दिन के कितना कमा लेते हैं आपकी दुकानें हैं? हम लोग सड़क पर रहते हैं, दुकान लगाते हैं, कभी पुलिस वाले भगा देते कभी ये करते, तो हम लोग क्या खाएंगे? पहले सब नहीं था जो इनकी सरकार में अब चल रहा है, इनकी सरकार में से दादागिरी गुंडागिरी चल रही है कि पुलिस वाले भी आजिश कर रहे हैं, ऊपर के बदमाशी लोग भी आजिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं ये महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। इन साफ तौर पर इनका जो कहना है कि यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, और इस बार जो ये लोग कांग्रेस को फेवर में यहाँ पे ज़्यादा नजर आ रहे हैं कि उनको लगता है कि कांग्रेस के आने के बाद यहाँ से महंगाई और बेरोजगारी जो है वो कम होगी। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ फाउंडेशन, लखनऊ।